नमस्कार, बारिश का सीजन है तो चलो कुछ पकोड़े बनाते हैं। आज हम तीन तरीके से पकोड़े बनाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। पहले हम बैटर प्रस्तुत कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाला है। प्याज को इस तरह से मैंने कट करके लिया है। फिर कड़ी पत्ता और चिल्ली और अदरक को इस तरह से मैंने कट करके लिया है। मैंने सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पर बेसन लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून का आधा जितना ना मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं था। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। इसको हम पानी देकर, थोड़े थोड़े पानी डालकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लिया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसको बैटर को मिक्स कर लूँगी। बैटर ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा ठीक नहीं होना चाहिए। इस बैटर को अगर आप 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे तो इस पकौड़े ज़्यादा और फ्लफी हो जाएगा। मैंने इंस्टेंट बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर बैटर को डायरेक्ट यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में तेल हमारा हीट हो गया है। तेल को गर्म करने के बाद गैस को मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया है। हम एक एक करके पकौड़े यहाँ पर डालेंगे। बैटर को हम डाल दिया है। डालने के बाद गैस को लो मीडियम फ्लेम पे हम रख कर सारे पकौड़े को क्रिस्पी होने तक छान लेंगे। लगभग हमारे पकौड़े यहाँ पर क्रिस्पी हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेंगे। अब हम बैंगन के पकोड़े तैयार करने के लिए इसका बैटर प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, 1/4 चम्मच मैंने आमचूर का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच चाट मसाला को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है। ऑयल इसमें ऐड करने से पकौड़े हमारे क्रिस्पी बनेंगे। पानी देकर इसको इस तरह से हम घोल लेंगे। मीडियम कंसिस्टेंसी में हम बैटर प्रस्तुत करेंगे। देखो, हमारा बैटर अब रेडी हो गया है। मैंने पहले से ही बैंगन को इस तरह से पतला पतला करके काट कर हल्दी के पानी में डुबा कर रखा था। इसमें हम 1 टीस्पून नमक को डालकर इसको हम अच्छे से घोल लेंगे, ताकि बैंगन के अंदर तक
नमक चला जाए। बैटर में इस तरह से डुबाकर इसको हम छान लेंगे। तेल बहुत गर्म है इसलिए इसको धीरे से आप डालेंगे। यहाँ पर मैंने गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसको हम पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब एक साइड क्रिस्पी हो चुका है, इसको हम पलट देंगे। पलट कर दूसरी साइड को भी क्रिस्पी होने तक हमने छान लिया है। इसको हम अब निकाल लेंगे। हमारे बैंगन के पकौड़े रेडी हुए हैं। अब हम कच्चे केले के पकौड़े तैयार करेंगे। इसके लिए उसी तरह से उसी मेजर से ही हम बैटर को रेडी करेंगे। बैटर रेडी हो गया है। मैंने पहले से ही कच्चे केले को स्लाइस करके कट करके इस तरह से इसको हल्दी पे पानी में डुबा कर रखा था। यहाँ पर मैंने बैटर में डिप कर दूँगी। उसके बाद मैंने ऑयल पे धीरे से इसको डाल दूँगी। अब केयरफुली डालेंगे। मैंने यहाँ पर भी इस तरह से गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रख कर पकौड़े को तला है। चाहो तो यहाँ पर इस बैटर में जीरे के पाउडर भी डाल सकते हैं। एक साइड से पकौड़े हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं, इसको हम पलट लेंगे दूसरी साइड तक। उसी तरह से हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। याद रखें यहाँ पर गैस को हम हाई मीडियम फ्लेम पे नहीं रखेंगे। अगर हाई मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो ऊपर का हिस्सा क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर कच्चे के लिए सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने स्लो मीडियम फ्लेम पर गैस को रखा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबाइए। अब हमारा पकौड़े क्रिस्पी हो गया है, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। छान कर तेल को अच्छे से निकाल लेंगे। देखो हमारा पकौड़े रेडी हो गया है।
हमारा तीन तरीके से पकौड़े रेडी हो गया है। इसको हम टमाटो सॉस और ग्रीन चिली के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।